जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE मेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं, जो 24 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। और ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन का। डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है कि दो सर्फेसेज हैं, दो इंक्लाइंड सर्फेसेज हैं। एक हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और दूसरा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इस वाले सर्फेस पर 4 किलोग्राम मास रखा गया है और इस वाले सर्फेस पर 1 किलोग्राम मास रखा गया है। ये दोनों मासेज आपस में एक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड है और रुके हुए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब यह सर्फेस ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, जो 24 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये चारों चीज़ें क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन का डायग्राम है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग इफ ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। सबसे पहली चीज़, तो हमारे पास एक दो इंक्लाइंड सर्फेसेज हैं और एक 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है और दूसरा एंगल है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ये दोनों सर्फेसेज इस तरह से इंक्लाइंड है और इस वाले सर्फेस पर 4 किलोग्राम का मास और इस वाले सर्फेस पर 1 किलोग्राम का मास हैंग्ड हुआ है, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग पर टेंशन कितना लग रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जब कोई भी बॉडी किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होती है, तो स्ट्रिंग पर जो टेंशन होता है वो हमेशा बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब जैसे ये आपकी कोई बॉडी है, कनेक्टेड है, तो यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पर टेंशन इधर होगा। इस वाली बॉडी में देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा। ओके, तो इस वजह से देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इस वाली बॉडी के कारण स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा वो किधर होगा, यहाँ पर। इस वाली बॉडी के कारण स्ट्रिंग पर जो टेंशन होगा वो यहाँ पे होगा। तो हमें बताना है कि टेंशन कितना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक डायग्राम फिर से यहाँ पे बनाते हैं और उसकी अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम फिर से है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, दिस इज ए पुल्ली, दिस इज अनदर मास वी हैव, दिस इज ए 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम स्ट्रिंग इज कनेक्टेड। तो अब देखिए ये जो 4 किलोग्राम का मास है, इसका वेट किधर वर्क करेगा, नीचे की तरफ, कितना, 4g। तो 4g का कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर कितना होगा, 4g साइन 30। इधर कितना कंपोनेंट होगा, 4g साइन 30। और ऐसे ही 1 किलोग्राम का जो मास है, इसका जो वेट होगा वो किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट द कंपोनेंट ऑफ द वेट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द सर्फेस इज 1g साइन 60, क्योंकि ये वाला सर्फेस 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और इस वाले स्ट्रिंग पर टेंशन किधर लगेगा, टी इधर, और इस वाले स्ट्रिंग पर टेंशन किधर लगेगा, इधर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 4 किलोग्राम का मास ज़्यादा है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 4 किलोग्राम मास अपनी तरफ बॉडी को नीचे, इधर से आपका पूरा सिस्टम इधर आ रहा है। मतलब जब ये सिस्टम 4 किलोग्राम जिस एक्सेलरेशन से इधर आएगा, उसी एक्सेलरेशन से ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, क्योंकि दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, वैसे वैसे वो ऊपर चलता चला जाएगा। लेकिन इस जब ये वाला मास नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस वाले मास को दो फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है। एक फोर्सेस 4g साइन थीटा उसको इधर लेके आना चाहता है, टेंशन इसको बोलता है कि आप उधर मत जाइए बल्कि आप इधर आइए, लेकिन फिर भी बॉडी किधर आ रही है, इधर। तो इसका मतलब 4g साइन थीटा टेंशन से ज्यादा है, और जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स इस पर एक्स्ट्रा वर्क करेगा और उतने ही फोर्स से ये बॉडी इधर आती चली जाएगी। तो टोटल सपोज करते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, बॉडी ए एक्सेलरेशन से इधर आ रही है, तो हम इस वाले मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन रखना चाहेंगे। तो देखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास 4 किलोग्राम तो कितना होगा, m इंटू ए, ये एक्सेलरेशन है, m इंटू ए इधर आ रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो 4g
साइन 30 माइनस टी टेंशन, तो ए अच्छा एम के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे 4, क्योंकि बॉडी का मास 4 है, तो यहाँ पे 4g साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस टी, तो 4a इक्वल टू 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2g माइनस टी, ये इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी का इक्वेशन आप मोशन लिखेंगे। तो जब इसका इक्वेशन आप मोशन लिखेंगे तो कैसे होगा देखिएगा, लेकिन इस बार टेंशन टी ज्यादा है क्योंकि बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो टेंशन टी, और एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना एक्सेलरेशन इसका है। तो अब देखिएगा यहां पे, जैसे देखिए m into a is equal to 4g sin, अब यहां पे आपका हो जाएगा t minus 1g sin 60, तो m into a is equal to t, इस बार कौन ज्यादा है t minus 1g sin 60, और m का प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो a is equal to t minus 1 है और g है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, सो √3/2, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस √3/2g। ओके, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेंशन की, तो a की वैल्यू हम लोग यहां से उठा के यहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू द इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू यहां पे हम लोग पुट करेंगे, तो देखिएगा आगे क्या करने वाले हैं। 4 इस वाले इक्वेशन में देखिए 4 a के प्लेस पर हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, तो t माइनस √3/2g इज इक्वल टू 2g माइनस t, कितना हो जाएगा 2g माइनस t। अगर हम लोग g के प्लेस पे 10 ले लें तो देखिए क्या होता है, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द सिंपल कैलकुलेशन टी माइनस √3 × 10, अब जी के प्लेस पे 10 पुट कर रहे हैं, 2 × 10 − t, तो 4 t − 2 × 2 = 5 × 10, तो 5 √3 = 2 × 10 = 20 − t, तो 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4t − 4 = 20 √3 = 20 − t। अब ये t जब इधर आ जाएगा और ये 20 √3 सब कुछ उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4t पहले से है, ये माइनस t इधर माइनस में है तो इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस t इसकल टू 20 यहाँ पे पहले से है और ये जब माइनस 20 √3 इधर माइनस में उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20 √3, तो 4t + t कितना हुआ 5t इसकल टू 20, 20 में से हम लोग कॉमन ले लेंगे 20, तो कितना आएगा 1 + √3, तो t इसकल टू 20/5 1 + √3, तो 5 × 5 = 5, 4 × 20, तो t इसकल टू 4 (1 + √3) न्यूटन। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी t इसकल टू 4 (1 + √3) न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग टेंशन को फाइंड आउट कर चुके हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, नो 4 (1 + √3), ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, ये देखिए 4 बाहर है √3 + 1, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। थैंक यू।